और गाइस क्या हाल है गाइस, अगर आप भी कोई ट्रिमर लेना चाहते हैं 2000 की रेंज के अंदर, तो आई थिंक ये वाला आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। ये है पैनासोनिक का ER207WK। तो आज इसी की हम अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे क्या है बॉक्स कंटेंट्स और क्या है इसके फीचर्स। इस ट्रिमर का प्राइस मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा और मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इज इट वर्थ द मनी और नॉट। इस ट्रिमर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हम डायरेक्ट प्लग इन करके भी चला सकते हैं, यानी कि एसी से भी चलेगा अल्टरनेटिव करंट से, और हम रिचार्ज भी कर सकते हैं इसको। और इसके बॉक्स में फीचर जो दे रखे हैं, ये है गाइस क्विक एडजस्टमेंट डायल, जो कि 218 mm इसका जो लीस्ट काउंट 2 mm है और 18 mm तक, मतलब 2 mm मिनिमम ये बियर्ड को ट्रिम कर सकता है और मैक्सिमम 18 mm। 12 स्टेप इसमें हम इसका डायल गेज है, जिससे हम 12 स्टेप में इसको हम चेंज कर सकते हैं, और कॉर्ड और कॉर्डलेस ऑपरेशन यहाँ पर जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। लेफ्ट में अगर हम इसको देखें तो कुछ खास नहीं यहाँ पर ट्रिमर दिया है और बार कोड वगैरह है। राइट में भी यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर दिया है अप टू 40 मिनट्स ऑफ ट्रिमिंग, मतलब एक बार इसको हम फुल चार्ज करेंगे तो ये 40 मिनट्स तक ट्रिम कर सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। दोबारा इसको टर्न करेंगे तो हम यहाँ पर ईजी एडजस्टमेंट दे रखा है विथ क्विक एडजस्ट डायल, और बाकी इजी टू होल्ड एर्गोनॉमिक्स हैं इसके, हाई कटिंग परफॉर्मेंस है, बाकी ये सब तारीफ तो करते ही हैं सब लोग अपने प्रोडक्ट की। फाइनली इसको अब हम अनबॉक्स करके देख लेते हैं कैसा है ये ट्रिमर। तो ये डब्बा तो अब किसी काम का है नहीं, इसको फेंक दो। और बाकी अब ये देखो गाइस, ये है इसका बॉक्स, जिसमें सबसे पहले अगर हम निकालें तो हमारे पास एक ये चार्जिंग अडेप्टर आता है, और अडेप्टर के साथ ही आती है एक कॉर्ड जो कि कनेक्टेड है इसी के साथ, USB वाली नहीं है। और ये जो अडेप्टर है काफ़ी हैवी लग रहा है यार मुझे, काफ़ी हैवी अडेप्टर है, अच्छी क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। उसके बाद दूसरी चीज़ है यहाँ पर ये ऑयल, जो कि लुब्रिकेशन के काम आएगा। ये है हमारी सबसे मेन यूनिट, मतलब इसके अलावा तो यार कुछ फ़ायदा ही नहीं है इस बॉक्स का। तो उसको हम खोल के देख लेते हैं। तो ये है हमारा मेन ट्रिमर, काफ़ी प्रीमियम और बढ़िया लुक आ रहा है यार इसका। यहाँ पर हल्की सी मैट ब्लैक की फिनिश है, वैसे कलर से तो हमने क्या ही करना है। और ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है दिखने में, बिल्ड क्वालिटी तो मुझे काफ़ी सॉलिड लग रही है। ये टेप निकाल लेते हैं यार, कुछ ऐसा सा दिखता है ये ट्रिमर, इसको देख लो पास से। यहाँ पे पीछे कुछ इसकी रेटिंग वगैरह दे रखी है, चार्ज टाइम लिखा है 12 आवर्स, तो मतलब इसको रात को चार्ज पे लगा के छोड़ दो और सुबह तक आपको ये फुल चार्ज मिलेगा, और फिर आप 40 मिनट तक इसे यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा दिखता है कुछ, एक बार देखें यार ये बैटरी है इसमें, नहीं तो मैं चार्ज करके दिखाऊंगा फिर आपको। बैटरी है यार इसमें, चल रहा है अभी, ये काफ़ी साइलेंट है यार ये, मतलब इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं करता, मुझे काफ़ी साइलेंट लगा। मेरे पे पहले एक नोवा का ट्रिमर था, वो तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था। यहाँ पर आपको ये डायल गेज दिख रहा होगा ये वाला, तो इसको अगर हम घुमाते हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से, तो ये इसका ऊपर जाता रहता है, मतलब इसका मेजरमेंट बढ़ता रहता है, उस हिसाब से आप और बड़े और बड़े और बड़े बाल को ट्रिम कर सकते हो। मैक्सिमम ये रहा अभी, ये मैक्सिमम है, ये 18 mm तक ये हेयर को ट्रिम कर सकता है, और मिनिमम अगर हम दिखाएं तो ये 2 mm। भाई इसमें एक बढ़िया चीज़ और है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा 1 लिखा हुआ, तो ये इसका लीस्ट काउंट है। अभी ये लीस्ट मेजरमेंट में है इसकी, मतलब 1 mm तक की अभी ट्रिम कर सकता है। पता नहीं बॉक्स में तो यार 2 mm लिखा था, यहाँ पे 1, चलो कोई बात नहीं, ये 1 है। इसके बाद अगर आप देखेंगे मैं डायल घुमाऊँगा तो ये 2 हो जाएगा, फिर 3, 4, इस तरह से ये बढ़ता रहता है पूरा 12 mm तक। और एक और चीज़ यहाँ पर इसका, ये LED इंडिकेटर है, इसे जब आप चार्ज पे लगाओगे तो ये इसमें लाइट जलेगी, तो सबको पता लगेगा कि अभी यहाँ पर चार्ज हो रहा है। तो ये थे इसके बॉक्स कंटेंट्स, मेन ट्रिमर, एक चार्जिंग अडैप्टर और लुब्रिकेशन के लिए ऑयल। और हाँ यार एक ये भी चीज़ छूट गई, एक छोटा सा ब्रश है, इससे हम यहाँ पे जैसे बाल बाल फंस जाते हैं ना, तो इसको ऐसे हम इससे निकाल सकते हैं। एक्चुअली ये मुझे दिखा नहीं बॉक्स में। ये इसका वारंटी कार्ड है और यहाँ पर लिखा है कि 2 ईयर्स की वारंटी हमको मिलती है ऑल ओवर इंडिया। प्राइस की अगर हम बात करें तो गाइस इसका प्राइस है 1699, यानी कि 1700 का ये मुझे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से पड़ा है। काफ़ी ठीक प्राइस रेंज है इसकी, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, पैनासोनिक है, ब्रांड नेम भी है। सही बोलूँगा अगर आप 2000 की रेंज के अंदर कोई ट्रिमर देख रहे हैं तो आप उसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।